नाउ लुक एट हियर, दिस इज अ एरोप्लेन। तो ये तो जहाज है, ठीक है। जहाज को क्या बोलते हैं? जहाज को बोलते हैं एरोप्लेन। तो इधर देखिए, वेयर इज दिस इज, दिस इज एन एरोप्लेन। अच्छा, यहाँ पे एन क्यों यूज़ हुआ है? एन इसलिए यूज़ हुआ है, वोवेल लेटर्स आपको समझाए हैं। वोवेल एन कहाँ यूज़ होता है? जिसके नेम का स्टार्ट का लेटर जो है वोवेल होता है। जो ए से स्टार्ट है ना एरोप्लेन, तो ए जो है हमारा वोवेल लेटर है। तो वोवेल लेटर जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे एन यूज़ होगा, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग लेटर वोवेल लेटर होगा उसके वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे, ठीक है, एन एरोप्लेन। अब यहाँ पे क्या राइट करेंगे? एन ए एन एन स्पेस, सॉरी ए राइट करेंगे, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है। तो ये क्या है? एरोप्लेन, जहाज। ओके, नाउ लुक एट हियर, दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, ये तो कार है। तो हेयर इज कार, नाउ टिक मार्क एंड देन राइट अ स्पेस कार, सी ए आर कार। ये वाला वर्क जो है ऑल स्टूडेंट्स जो हैं खुद भी कर सकते हैं, ये नहीं कि मम्मा या बाबा आपको करवाएं, ये आप खुद कीजिएगा। आपने जो पीछे देखे यहाँ पे टर्न कीजिएगा, यहाँ भी आपको नेम राइट किएगा, यहाँ से आप सर्च कर करके ढूंढ ढूंढ के जो है उनकी स्पेलिंग, पिक्चर की स्पेलिंग खुद राइट कीजिएगा, ठीक है। बहुत आपको मज़ा भी आएगा, ये एक गेम की तरह के वर्किंग है, ठीक है। उसके बाद है ट्रक, ट्रक, दिस इज आ ट्रक, टिक मार्क कीजिए, आ स्पेस टी आर यू सी के ट्रक, आ ट्रक। लुक एट हियर, दिस इज अ टोंगा, टोंगा, आ हेयर इज टोंगा, आ टी ओ एन जी ए टोंगा। नाउ लुक एट हियर, लास्ट लास्ट वन हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या रह गया? ट्रेन, दिस इज आ ट्रेन, टिक मार्क कीजिए, आ स्पेस टी आर ए आई एन, आ ट्रेन, रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी, आ ट्रेन। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली वर्किंग सबकी इस तरह कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आफ्टर डेट आपको जो है इसमें कलरिंग करनी है। और ये वर्किंग आप इसकी स्पेलिंग यहाँ भी, यहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको कैसे पता चलेगा? आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, आप इन पेजेस को, पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41 को अच्छी तरह रीड कीजिएगा। जब आप पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, तो आपको स्पेलिंग्स भी, स्पेलिंग की पहचान भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी देख के आप राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 42 कंप्लीट कीजिएगा, इसी तरह कलर भी कीजिएगा। नाउ ओपन योर पेज नंबर 43। फर्स्टली वी हैव टू डू राइट डेट, टू डेट इज 17 दिसंबर 2020। हेयर आर थ्री आइकन्स, नंबर वन रीड, टू राइट एंड देन कलर, रीड राइट एंड कलर। अच्छा देखिए, यहाँ पे इस पेज को आपको क्या करना है? इस पेज पे आपको रीड करना है। सबसे पहले मैं आपको रीड करवा देती हूँ, ठीक है, मैम के साथ रीड कीजिए। नंबर वन, फ्लाइंग, फ्लाइंग, फ्लाइंग मीन्स उड़ना। जैसे ये यहाँ देखें, एरोप्लेन दिया है, जहाज़ दिया गया है ना, तो ये क्या कर रहा है? ये फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है। नंबर टू, राइडिंग, राइडिंग, राइडिंग मीन्स साइकिल चलाना या फिर बाइक चलाना। अब यहाँ देखें, यहाँ बाईसाइकिल जो है बॉय चला रहे हैं, तो इट मीन्स क्या कर रहे हैं? ये राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, राइडिंग। नंबर थर्ड, रनिंग, रनिंग, रनिंग मीन्स दौड़ना। तो ये देखिए, लुक एट हियर, दिस इज़ अ हॉर्स, ये हॉर्स जो है ये क्या कर रहा है? ये तो रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, देखिए, ठीक है। नंबर फोर, ड्राइविंग, ड्राइविंग, ड्राइविंग मीन्स गाड़ी चलाना,
ठीक है, चाहे वो आपकी कोई सी भी गाड़ी हो, कार हो जाए या फिर ट्रक हो जाए, बस हो जाए, तो जो चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, गाड़ी चलाने को ड्राइविंग कहते हैं, ड्राइविंग। नाउ लुक एट हियर, कफिंग, कफिंग, कफिंग मीन्स खांसना। अब ये देखिए जो बॉय हैं इनको खांसी हो रही है, खांस रहे हैं ना ये, तो इट मीन्स कफिंग, कफिंग, कफ मीन्स खांसी, कफ किसे कहते हैं, खांसी को बोलते हैं, तो ये खांस रहे हैं, इट मीन्स कफिंग, कफिंग। लास्ट है, लास्ट वन हमारा शेकिंग, शेकिंग, शेकिंग मीन्स लरस जाना या सहम जाना। ये देखिए ये जो अंकल हैं, ये मैन जो हैं, ये सहम गए हैं बहुत किसी चीज़ को देखकर, ठीक है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं डर जाते हैं, समटाइम्स सहम जाते हैं, लरस जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, शेकिंग, शेकिंग, ठीक है। ये पेज रीड करने के बाद अब हमें राइट करना है, इट मीन्स आपको ये तमाम वर्किंग जो वर्ड्स हैं इनको आप ट्रेस करेंगे अच्छी तरह, जिस तरह आपको वर्ड्स दिए गए हैं उनको आप ट्रेस करेंगे। अब आप सीनियर क्लास में आ गए हैं तो आप लोग को तो ट्रेसिंग बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन आ गई होगी, ठीक है। ईजी पेज है ये भी, सिर्फ जस्ट आपको रीड करना है, आप मैम को देखिएगा, मैम की वीडियो को फॉलो कीजिएगा,